हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑफ ई लर्निंग फॉर ऑल। आज हम अपने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। सो आज का हमारा नया टॉपिक होगा पैसिव ऑफ पास्ट कंटिन्यूस। सो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं आज के हमारे कंटेंट की तरफ। सो सबसे पहले एक्टिव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्टिव हमारे वही होते हैं जो हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में देखे थे, यानी कि हमारे टेंसेस पार्ट में जो हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूस टेंस को देखा था वही हमारे एक्टिव होते हैं। सो हम लोग अगर आप रिव्यू करें सो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जाएं तो उसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एच डॉट वी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो था हमारा पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट वो एट स्ट्रक्चर थे, वॉज वर हमारा हेल्पिंग वर्ब था, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो था हमारा स्ट्रक्चर पास्ट कंटिन्यूस का एक्टिव का। मगर आज हम कर रहे हैं पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस। सो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर सबसे पहले आप जानते हैं ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है हमारे पैसिव वॉइस में, प्लस हेल्पिंग वर्ब एच डॉट बी। सो फ्रेंड्स, पास कंटिन्यूस में इसका जो पैसिव में, यानी कि पास कंटिन्यूस के पैसिव में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा वॉज बींग वर बींग, यानी कि डब्ल्यू एस वॉज बींग बी ई आई एन जी एंड वर बींग डब्ल्यू आर ई बी ई आई एन जी बींग, ये हमारा होगा। यानी कि वॉज बींग एंड वर बींग आपका हेल्पिंग वर्ब पैसिव ऑफ पास्ट कंटिन्यूस में। ठीक है फ्रेंड्स, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी इसमें, देन बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि आप जानते हैं हमारे 8 सब्जेक्ट्स हैं, सो 8 सब्जेक्ट्स को हम बाय, यानी कि आई वी यू दे ही शी एनी नेम को चेंज करेंगे बाय आई, यानी कि बाय मी, बाय यू, बाय देम, बाय अस, बाय हिम, बाय हर, बाय इट एंड एनी सिंगुलर नेम। लास्ट वीडियो में जो हमारी जो पास्ट इंडेफिनिट की जो हमारा जो वीडियो है उसमें मैंने आपको टेबल बना के दिखाया था हमारे सब्जेक्ट्स का, और जो हम पैसिव में इनको चेंज करते हैं, यानी कि बाय सब्जेक्ट जो हम करते हैं यानी कि बाय मी, बाय अस, इसका पूरा टेबल मैंने आपको वहाँ पे बना के दिखाया था एंड बताया था किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर मेरी पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो नहीं देखी सो प्लीज़ आप मेरे पास्ट इंडेफिनिट की जो पैसिव की वीडियो है वो आप ज़रूर देखें। सो आपको वहाँ से जो है टेबल जो मैंने आपको बताया था वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी थोड़ी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया पास्ट कंटिन्यूस के पैसिव में ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, देन हेल्पिंग वर्ब वॉज बींग वर बींग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। सो सबसे पहले मैं हेल्पिंग वर्ब को डिफाइन करता हूँ कि हम किसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वॉज बींग वर बींग। सो फ्रेंड्स, हम लोग आई कॉमा ही कॉमा शी और एनी सिंगुलर नेम के साथ हम वॉज बींग लगाएंगे, सिंगुलर नेम या सिंगुलर वर्ड जो भी है इसके साथ हम वॉज बींग लगाएंगे, एंड वर्ब बींग के साथ हम यानी कि वी यू दे और एनी प्लूरल वर्ड के साथ हम वर्ड लगाएंगे। सो इसमें वर्ब बींग लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आई शी ही और एनी सिंगुलर नेम के साथ हम वॉज बींग लगाएंगे, एंड वी यू दे एंड एनी प्लूरल नेम के साथ हम लगाएंगे वर्ब बींग। सो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। सो हम एग्जांपल लेते हैं। आकार, जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और पैसिव के हम एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल ऑफ पैसिव।
आकार, जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, आकार वॉज बिंग प्लूरल नेम है, सॉरी सिंगुलर नेम यहाँ पे आ रहा है, आकार प्लूरल और होता कोई नेम तो हम लगाते हैं वर्ब बिंग, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर वर्ड आ रहा है, सो हम लगाएंगे वॉज बिंग, आकार वॉज बिंग स्टोलन, STOLEN, सॉरी आकार वॉज बिंग स्टोलन, स्टील स्टोल स्टोलन, स्टील हमारी फर्स्ट फॉर्म, स्टोल हमारी सेकंड फॉर्म, स्टोलन हमारी थर्ड फॉर्म है, आकार वॉज बिंग स्टोलन बाय हिम। आकार हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे स्ट्रक्चर में, वॉज बिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एंड स्टोलन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय हिम ही को मैंने चेंज किया है, ही आप जानते हैं हम एक्टिव में यूज़ करते हैं, सो अगर आप पैसिव में चेंज करेंगे तो बाय हिम हो जाएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट बाय हिम चेंज हो जाता है, आपको आप जानते हैं, मैंने आपको टेबल भी दिखाया था उसका, सो हम कन्वर्ट करते हैं। सो ये तो था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, आकार वॉज बींग स्टोलन बाय हिम। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं, आकार वॉज नॉट स्टोलन बाय हिम फुल स्टॉप। ये नेगेटिव सेंटेंस है, आकार वॉज नॉट बींग, ये कुछ फ्रेंड्स गलती हैं, सो उम्मीद करते हैं कि आपने नोट किया होगा, आकार वॉज नॉट बींग स्टोलन बाय हिम, हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, आकार हमारा सब और हमारा ऑब्जेक्ट, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमारा नेगेटिव, देन फिर हमारा बींग आएगा जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि वॉज नॉट बींग स्टोलन बाय हिम। ये कुछ थोड़ी कुछ गलतियाँ हैं फ्रेंड्स, ये नोट करने वाली गलतियाँ हैं, सो आप उम्मीद करते हैं कि आप इन छोटी छोटी गलतियों को प्रैक्टिस करके दूर करेंगे। सो अब हम चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सो वॉज आका बींग स्टोलन बाय हिम क्वेश्चन मार्क, कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एंड आप जानते हैं इसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है जिस तरह हमारा स्टार्टिंग में आता है नेगेटिव में और अफर्मेटिव में, इस तरह इंटरोगेटिव में और इंटरोनेगेटिव में वॉज जो है वो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाता है, तो वॉज आ कार बींग स्टोलन बाय हिम एंड वॉज आ कार नॉट बींग स्टोलन बाय हिम क्वेश्चन मार्क, वॉज आ कार नॉट बींग स्टोलन बाय हिम, वॉज जैसे कि आप जानते हैं ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, आ कार हमारा ऑब्जेक्ट, नॉट बींग बींग हमारा हेल्पिंग वर्ब, वॉज बींग जो है स्टोलन बाय हिम। फ्रेंड्स ये कुछ स्टेप्स हैं, उम्मीद करते हैं कि ये आप जो प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप अपनी जो छोटी मोटी गलतियां हैं ये दूर करेंगे। इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट टाइम की एग्जांपल जो हम लोगों ने आपको करवाई है, द फ्लावर वॉज बींग स्टोलन बाय हिम। बिल्कुल मैं अपनी एग्जांपल्स रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, हम एक ही एग्जांपल को हम डिफरेंट डिफरेंट टेंस में इसलिए हम देखते हैं ताकि आपको जो है जो इसकी जो यूनिकनेस है जो हम करवा रहे हैं, यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब वगैरह जो है इसकी जो यूनिक जो हमारी चेंजिंग होती है हर टेंस में हर पैसिव वॉइस में, सो वो आप इजीली नोट कर सकें, इसलिए हम जो हमारे जो एग्जांपल्स हैं हम रिपीट करवा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो हम जो यूनिकनेस जो हम समझाना चाह रहे हैं वो आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो इसलिए हम अपनी जो एग्जांपल्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं बार बार। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था द फ्लावर विल बी प्लक था, जब हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनेट की बात की थी, उस तरीके से अब हम कर रहे हैं वॉज बींग, द फ्लावर वॉज बींग, अब हम पास्ट कंटिन्यूज में है उसका पैसिव कर रहे हैं, तो द फ्लावर वॉज बींग स्टोलन बाय हिम, ये आपने यूनिक देखी होगी, वहाँ विल भी था यहाँ वॉज बींग है, बाकी एज इट सेंटेंस पूरा हुई है, सो कुछ यूनिक हम आपको बताना चाह रहे हैं समझाना चाह रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा हमारी बात और समझ आ रहे होंगे हमारे सेंटेंसेस हमारे एग्जाम्पल्स। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलेंगे, द फ्लावर वॉज नॉट बींग स्टोलन बाय हिम
by him was the flower being stolen by him? Question mark. And was the flower not being stolen by him? Question mark. Sorry. The flower was being stolen by him. Our affirmative sentence है हमारा object, हमारा ये helping verb, verb की third form, and by him हमारा by plus subject. Then negative sentence में the flower was not being stolen by him. Then interrogative, was the flower being stolen by him? And interrogative में was the flower not being stolen by him. So friends, ये तो था आज का हमारा content. उम्मीद करते हैं कि आज का content आपको समझ आया होगा. किसी भी किस्म की query हो सो हमसे ज़रूर पूछिएगा. सो आज हम रिव्यू कर दें कि हमने आज क्या किया. हमने आज पैसिव वॉइस और पास्ट कंटिन्यूस को देखा. सबसे पहले हमने एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को मैंने आपको बताया, और ये बताया कि जब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जब हम कर रहे थे, यानी कि हमारे टेंसेस पार्ट में, सो जो हम लोगों ने वहाँ पे जो स्ट्रक्चर किया था वही हमारा स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे एक्टिव होगा. सो मतलब ये कि एक्टिव एंड हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो हम लोगों ने देखा था वो बिल्कुल सेम है. चेंजिंग पैसिव में, यानी कि पैसिव चेंज है. पैसिव का मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. सो मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो कि हम पास्ट कंटिन्यूस के पैसिव में हम लगाएंगे वो होगा वॉज बींग एंड वर बींग. एंड वॉज बींग के साथ मैंने आपको बताया आई ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम लगेगा. एंड वर बींग के साथ लगेगा वी यू दे एंड एनी प्लुरल नेम. फिर मैंने इसकी आपको दो एग्जाम्पल्स करवाई. ये दो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखी. सो ये तो था फ्रेंड्स आज का कॉन्टेंट. उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा. सो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे. अल्लाह हाफिज़. गुड बाय. हैव अ नाइस डे.